हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जून 2021 के महीने के जो इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीजेस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको अपन कवर करने वाले हैं। लगभग 7-8 प्रेस रिलीजेस निकली थी जून के महीने में जो कि काम की है। तो दोस्तों, सारी की सारी रिलीजेस अपन देखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ कवर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर का स्टार्ट करते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोऑपरेशन दोस्तों एक साइन हुआ है एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो वो वाला आर्टिकल है। अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, 2020 के अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो दोस्तों, उस पर्टिकुलर में एग्रीकल्चर भी एक सेक्शन था जहाँ पे कि कोऑपरेशन शामिल किया गया था। तो दोस्तों, उस पर्टिकुलर जो सबमिट थी उसके बाद में उसका फॉलोअप के तौर पे ये मीटिंग हुआ था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रेन्स पार्टनरशिप एक सिग्निफिकेंट दोस्तों इंक्लूजन है जिसका मकसद है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपर्टाइज है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसको दोस्तों हमारे रूरल ग्रेन स्टोरेज और सप्लाई चेन्स में यूज करके हमारा जो वेस्टेज और लॉस है उनको मिनिमाइज करना। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नोडल एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। हम लोग अगर आगे देखते हैं, आई थिंक यही एक काम का पॉइंट है इसके अंदर से, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अगले रिलीज पे चलते हैं अपन। दोस्तों, अगला रिलीज है हमारे एग्रीकल्चर मंत्री साहब ने 42nd जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ जो की पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कशन मंत्री साहब ने बोले हैं वो अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स की बढ़ाई किया है इन्होंने कि हम लोग काफ़ी स्कीम्स चला रहे हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। और दोस्तों, ये 16 अक्टूबर एक वर्ल्ड फूड डे होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद में कंट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया FAO ने इंडिया के लिए दोस्तों हमारे मंत्रालय के साथ में। और ये जो पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है दोस्तों हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज है उनकी तरफ अलाइंड है और एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को अडॉप्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए, कभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो की इसमें दो पॉइंट है दोस्तों, FAO ने इंडिया का जो प्रपोजल था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज जो कि 2016 में ऑब्जर्व किया था वो भी एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद में जो फिलहाल है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है FAO ने, इंडिया ने प्रपोजल दिया था एक्सेप्ट हुआ था। तो ये तो लास्ट टाइम भी पूछा था दोस्तों नाबार्ड ग्रेडे के अंदर कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से साल को डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे मिसेलेनियस न्यूज आइटम्स बेसिकली ऐसे लाइन से पिक कर लेता है एग्जामिनर। हम लोग बात करते हैं तो 305 मिलियन टन हमारे फूड ग्रेन्स रहेगा 2019-20 में, अपन ने अलग से देखा ही है। किसान रेल के बारे में भी इन्होंने बोला है, तो किसान रेल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये लॉन्च है, उसके अंदर सभी स्कीम्स को पता होना चाहिए। इसका मकसद है डेवलप करना, डेमोंस्ट्रेट, डिसेमिनेट द टेक्निक्स टू मेक हमारा जो एग्रीकल्चर है क्लाइमेट चेंज के प्रति और ज़्यादा उसको रेजिलिएंट बनाना ताकि इम्पैक्ट को सह सके। और हमारा देश इंडिया प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक बड़े लेवल पर, 2-3 स्कीम भी चलाई जा रही है, आपको पता होना चाहिए। कल मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी किया था परंपरागत कृषि विकास योजना का, अलग अलग जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है सब डिटेल में आप कवर कर लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो रिलीज है अपन ने आई थिंक ये पहले ही कवर कर लिया, ये वापस से रिपीट हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करें तो। ये जो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश इन कर्नाटक अंडर इंडो इसराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत जो इसराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से हमारे लोकल कंडीशंस को सूट करके यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग अगर बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो प्रोग्राम है 12 राज्यों में इंप्लीमेंट किया जा रहा है और मासव जो है इजराइल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी हमारे इंडिया में। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं 3 जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है कर्नाटका में, आपको पता होना चाहिए CCOE सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कोलार मैंगो के लिए, बागलकोट पोमेग्रेनेट के लिए और धरवाड़ जो है दोस्तों वेजिटेबल्स के लिए, 3 सेंटर पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो मकसद क्या रहता है वो रहता है दोस्तों नॉलेज जनरेट करते हैं, उसके अलावा दोस्तों जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है जो बाकी किसानों को, और ट्रेनिंग देते हैं ऑफिसर्स और फार्मर्स को भी। इस पर्टिकुलर रिलीज के अंदर और कोई काम का पॉइंट आई थिंक अपना है नहीं, जो भी की पॉइंट्स थे अपन ने देख लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो इंडिया और इजराइल के बीच में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट
हार्वेस्ट मैनेजमेंट और जो हमारा रिड्यूस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगले आर्टिकल पे चलते हैं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 जो है बम्बू मार्केट पेज, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो पोर्टल है उसके अंदर ऊपर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो बैम्बू बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेसिकली मार्केट प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और दोस्तों एक कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड विंडो भी लॉन्च किया है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन नाम का दोस्तों, जिसके तहत बैम्बू प्रोडक्ट्स को मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं और इस रिलीज की फ्रेंड्स, तो अपन आई थिंक इसके अलावा और कोई काम का इसमें पॉइंट है नहीं। यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन जो कि है दोस्तों gm.gov.in नेशनल बैम्बू मिशन जो कि यूनिक इनिशिएटिव है नेशनल बैम्बू मिशन और GM का। दोस्तों एक काफ़ी जो वैरायटी जो बैम्बू प्रोडक्ट्स है हैंडीक्राफ्ट डिस्पोजल्स एंड ऑफिस यूटिलिटी प्रोडक्ट्स ऑन द GM पोर्टल। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर जो कोलेबरेशन है जो बैम्बू आर्टिसियंस है वीवर्स है एंटरप्रेन्योर्स है जो रूरल एरियाज से इनको मार्केट एक्सेस गवर्नमेंट जो बायर्स है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन पूछा जा सकता है दोस्तों नेशनल बैम्बू मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। कौन से प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया गया है वो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अगले रिलीज पे चलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बारे में आर्टिकल निकला था दोस्तों, कैबिनेट ने अप्रूव किया था खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो इसके हम लोग अगर बात करते हैं एब्सोल्यूट सबसे ज़्यादा इंक्रीज दोस्तों ये हुआ है 452 रुपये पर क्विंटल सीसामम के लिए हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप लिस्ट को देख सकते हैं जो की पॉइंट्स है वो अपन कवर करते हैं इसके अंदर से। फ्रेंड्स की पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ है दोस्तों बाजरा के लिए हुआ 85%। और जो हमारा मैंडेट है 1.5 टाइम्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका बोल रहे हैं ये सभी क्रॉप्स के लिए हमने एंश्योर किया है दोस्तों। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा स्कीम दोस्त 2018 में जो लॉन्च की गई थी जिसका कि मेन मकसद था दोस्तों जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस अवेलेबल कराए फार्मर्स को। इस स्कीम के तहत दोस्तों 3 सब स्कीम्स हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। दोस्तों लास्ट टाइम नाबार्ड में पूछा था 2 सब स्कीम देके पूछा था कि ये दोनों सब स्कीम्स कौन सी स्कीम के अंदर आती है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सब स्कीम्स काफ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम्स में तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इस टाइप का फेमस सवाल हो चुका है। तो डिटेल में आप ये चीज़ें पढ़ के रखिए सब स्कीम्स वाला पोर्शन। अगले रिलीज पे चलते हैं अपन। दोस्तों अगला रिलीज है इंडिया और फिजी ने MOU साइन किया था फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दोस्तों इसके अंदर जो की पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ एरियाज है जिनमें कोऑपरेट किया जाएगा वो एरियाज देख लेते हैं, बाकी तो कोई ज़्यादा काम का चीज़ इसमें है नहीं। दोस्तों डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, राइस इंडस्ट्री के लिए रूट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कोकोनट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रिसर्च, एनिमल हस्बेंड्री, पेस्ट एंड डिजीज, कल्टिवेशन, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट एंड मिलिंग, ब्रीडिंग एंड एग्रोनॉमी। यानी कि इन पर्टिकुलर एरियाज में इंडिया और फिजी के बीच में दोस्तों कोऑपरेशन किया जाएगा। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। जून का महीने में दे देता आपको फिजी वाला टिक मारना है और मई का दे तो ऑस्ट्रेलिया टिक मारना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइमलाइन देके ऐसे पूछता है कि कौन से देश के साथ में MOU साइन किया है इंडिया ने। अगले रिलीज पे चलते हैं। दोस्तों ये वाला रिलीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक स्कीम की बात की गई है, फार्म मैकेनाइजेशन मैंडेटरी चेंज करके टाइटल है। दोस्तों ये पर्टिकुलर स्कीम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही एक सब स्कीम है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात की गई दोस्तों। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कस्टमाइजिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, फार्म मशीनरी बैंक्स और हाई टेक अप्स अलग अलग स्टेट में एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं दोस्तों। ये पर्टिकुलर अपन ने जो हाईलाइटेड सेक्शन है अपन ने देख लिया। उसके अलावा जो की पॉइंट है इस आर्टिकल में लास्ट में है दोस्तों, कुछ थोड़ा डिटेल में दिया गया है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। दोस्तों ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था, इसका जो मेन एम था फार्म मैकेनाइजेशन को दोस्तों स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक पहुँचाया जाए और ऐसे एरिया जहाँ पर डिफ़िकल्टी है, फार्म पावर अवेलेबिलिटी लो है, उन एरियाओं में भी
मैकेनाइजेशन को बढ़ावा मिल सके दोस्तों, और एग्रीकल्चर जो जो इनपुट है उनको बेटर से यूटिलाइज कर सके, ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी बढ़ सके दोस्तों, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी डिक्रीज हो सके। ये इसके मेन मकसद थे। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स और टेकअप्स, हाई वैल्यू मशीन्स, ये सब सेटअप किए जाते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर स्कीम है आपको अलग से कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो टेक्निकल जो असिस्टेंट्स है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैंने अलग से PIB का जो, ये जिस दिन निकला था ना PIB वाला, किस दिन का है ये, आई थिंक ये है 11 जून का। तो अगर 11 जून या 12 जून का PIB जाके देखोगे ना मेरा वीडियो, तो उसके अंदर मैंने डिटेल्स में कवर किया है। वैसे ये स्कीम आपको डिटेल में कवर कर ली है, क्योंकि आने के बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में। लास्ट टाइम तो पूछा था इसके अंदर से दोस्तों कंपोनेंट कि जो कैपिटल जो ग्रांट सब्सिडी दी जाती है उसकी लिमिट 40% रहता है, वो पूछा था दोस्तों। हमारा जून महीने का लास्ट रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। इसके अंदर सेल्फ सफिशियंसी इन पल्सेज एंड ऑयल सीड्स के लिए रोड मैप इन्होंने अनवेल किया है, और इन्होंने सीड्स मिनी किट्स भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आप देख सकते हैं फार्मर्स को दोस्तों, ये जो सीड मिनी किट्स है, हाई यील्डिंग वेराइटीज है सीड्स की, जो कि फार्मर्स को इन्होंने वितरित किया है। इसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन में, ऑयल सीड प्रोडक्शन दोस्तों 27 मिलियन टन से, जो कि 2014-15 में था, 36.57 मिलियन टन हो गया 2020-21 में, थर्ड एडवांस एस्टिमेट की बात करते हैं। तो ऑयल सीड्स एस्टिमेट कितना हो गया, 36 मिलियन टन 2020-21 में। और पल्सेस की बात करते हैं तो दोस्तों अभी 25 मिलियन टन है 2020-21 में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने बोला कि जो सीड मिनी किट्स प्रोग्राम है एक मेजर टूल है दोस्तों, नई वेराइटीज सीड्स की किसानों को अवेलेबल करवाया जाएगा, और दोस्तों जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है उसको बढ़ावा मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। तो आई थिंक अपन ने दोस्तों जो जून महीने के जो इम्पोर्टेंट रिलीजेस थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, सब देख लिए हैं। तो छोटा सा वीडियो, 12 मिनट का वीडियो यार, एंड तक देखा करो, सपोर्ट करते रहो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।